हेलो दोस्तों, आज हम लोग आईपीएससी के बारे में जानेंगे और आईपीएससी हम बेसिक से इसके मूल फंडामेंटल को भी जानेंगे कि ये आईपीएससी बनाते समय क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हमने एक आईपीएससी का चार्ट बनाया हुआ है। इस आईपीएससी के चार्ट में पूरे जितने भी यूज होते हैं, लगभग आईपीएससी में जितने भी नेमिक्लेचर यूज होते हैं, हम उसकी चार्ट बना करके यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि आईपीएससी एक्चुअली में कैसे बनता है और उसका बेस क्या होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, आईपीएससी में हमारे पास तीन फंडा यहाँ पर दिखाए हैं हम, वर्ड रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, शब्द मूल, पूर्व लग्न और अनुलग्न। यहाँ पे शब्द मूल के अंतर्गत आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या होती है, कितनी होती है। तो यहाँ पे मैंने सभी कार्बन के लिए एक नेम यहाँ पर लिख दिया है। वन एक कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ लिखते हैं, दो कार्बन होगा तो उसके लिए एथ लिखते हैं, तीन कार्बन होता है तो उसके लिए प्रोप लिखते हैं, चार होता है तो ब्यूट लिखते हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट। उसके बाद 12 में जाओगे तो डूडेक, 20 में जाएगा तो आइकोस बन जाता है। इससे बहुत सारे कार्बन के ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन हमें बेसिकली जो इंटर तक लेवल में आते हैं हमारे, 10 तक ही ज़्यादा यूज में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूर्व लग्न में हम बात करते हैं, ये भी दो कैटेगरी में है, एक 2 डिग्री, एक 1 डिग्री है, द्वितीयक अनुलग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न और प्राथमिक अनुलग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न में हम ब्रांच के बारे में जानते हैं और प्राथमिक में हम चक्री, साइक्लो, बाई साइक्लो, स्पाइरो के बारे में जानते हैं। ब्रांच के अंतर्गत हमारे क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सभी चीज़ें हमारे जो हैं ब्रांच के रूप में आ सकते हैं। अगर मेरा CH3 है तो उसके लिए मेथिल लिखेंगे, C2H5 है तो एथिल लिखेंगे, C3H7 है तो प्रोपिल लिखेंगे। पूर्व लग्न में साइक्लो, साइक्लो का मतलब होता है जैसे बंद लूप, बंद चक्र में ऐसे आ जाए कभी, तो इसके लिए हम लोग साइक्लो यूज करते हैं। ओके, हम लोग जब सभी का बेसिक से अध्ययन करेंगे। आज मैंने एक चार्ट बनाया था, इसलिए आपको पहले ये प्रोड्यूस करा दूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए आपको इस टॉपिक्स पर। अनुलग्न की बात करें तो यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री, टू टाइप्स में आते हैं अनुलग्न। इसमें कार्बन बंध के प्रकार में आएंगे। पूर्व 1 डिग्री में जो प्राइमरी हमारे अनुलग्न होते हैं उसमें एन के, अगर एन अनुलग्न लग रहा है तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, दो लग रहा है तो डबल बॉन्ड लगाते हैं और तीन लगता है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। सेकेंडरी अनुलग्न में जो होते हैं हमारे क्रियात्मक समूह आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, CHO और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर, ईथर, अन्य अदर भी आते हैं, मैंने उसको लिखा नहीं है यहाँ पर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे बेसिक आइडिया से, बट अभी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आप लोग पूरे आईपीएससी को एकदम एक्यूरेट से सीख पाएंगे और आप सिखा पाएंगे।